सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने पीसी में नोड जेएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रोम में जाना है और वहां पे टाइप करना है नोड जेएस डाउनलोड, और यहाँ पे आपको ओरिजिनल वेबसाइट मिल जाएगी नोड जेएस की। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे जब हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी डाउनलोड का बटन विजिबल नहीं होता। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आप पावर शेल में जाके ओपन करके आप ये सारी कमांड्स लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है जिनको पावर शेल इतने अच्छे से नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड बटन विजिबल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने वर्जन्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल करंट वर्जन हमारा है V22, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने विंडोज, मैक या लिनक्स जो भी हमारा पीसी होगा उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा ये X64 और 86 भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका करंट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो अभी ये 2-3 सेकेंड्स लेगा इंस्टॉल होने में। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे डबल क्लिक जैसे हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे वो सेटअप हो रहा है। अब यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है और अब हमने करना है इसको नेक्स्ट। जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट, हमने इस पे बॉक्स को चेक कर देना है और फिर से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे भी हमने बाय डिफॉल्ट रखना है सब कुछ, ये भी हमने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे चॉकलेटी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे येस क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली आपके पीसी पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कम्प्लीटली सेटअप इसका हो चुका है। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है फिनिश। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा नोड जेएस है वो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग सर्च में क्या करेंगे, सीएमडी अपना मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने सीएमडी टाइप करना है और ये हमारी विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नोड स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। और जैसे हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा वर्जन है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 22.5.1 हमने इंस्टॉल किया है, तो वही यहाँ पे हमारा विजिबल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे NODE नोट लिखेंगे तो आप नोट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और एक कमांड प्रिंट कर दूँ हेलो, तो यहाँ पे अगर आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हेलो हमारा विजिबल हो रहा है, मतलब कि यह हमारा जो वर्जन है वो नोड जेएस का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू।